पैसे की चाह से देश छूट गया ऐ वतन, मैं तुझसे दूर हो गया। आज जब तिरंगा देखा मैंने, मेरे वतन की याद आने लगी। आज जब राष्ट्रगान सुना मैंने, मुझे वतन की खुशबू सताने लगी। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ व जागरूक खेल संघ के अध्यक्ष रॉबर्ट मॉर्टिन की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जैसे कि हमारा जोधपुर शहर संस्कार धानी, इसके सभी छोटे बड़े लोगों को मैं अपने राष्ट्रीय पर्व की इस पूर्व संध्या पे तमाम शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार हम सब प्रदेश के इस शहर के वासी सभी अपने पर्वों को पृथक पृथक रूप से मनाते हैं, लेकिन जो हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है, हम इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे शालीनता के साथ, पूरे जोश के साथ मनाएं। और जैसा कि ये महामारी चल रही है, इस महामारी में भी हम शासकीय सेवक होने के नाते अपने सभी कर्मचारी संगठनों के माध्यम से और BTV सुदर्शन TV की तरफ से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सब शासन की योजनाओं में अपना पूर्ण समर्थन दें, जिससे कि हम सब जो इस विकराल महामारी जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम सफल हो सकें। हमारे बच्चे भी बहुत हताश जरूर हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ हताश होने की ज़रूरत नहीं। अगले वर्ष हमको गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में फिर आएगा और हम पुनः खुशी खुशी इस पर्व को मनाएंगे। लेकिन शासन के जैसे निर्देश हैं कि अभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक बच्चे ना आए, तो हम उसका पालन करेंगे। और इस आशा के साथ कि हम अपनी शासन की योजनाओं में अपना पूर्ण योगदान देंगे। मेरा नाम स्टैनली नॉर्बर्ट, प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति जबलपुर जिला। आज मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति और जागरूक खेल संघ की तरफ से मैं सभी देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और संस्कारधानी के सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का तीसरी लहर का प्रकोप चारों तरफ जारी है, इससे बचने के लिए मैं सभी कर्मचारियों से, खिलाड़ियों से, विद्यार्थियों से और आम जनता से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, कृपया सभी भीड़भाड़ भरे हुए स्थानों से बचें। यदि जाना भी पड़ता है तो ऐसे स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज साथ में रखें उसका प्रयोग करें और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है और हमसे जो लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो सब सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि हम सभी को अपने साथ साथ बचा सकें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सभी कर्मचारियों से, खिलाड़ियों से, विद्यार्थियों से और आम जनता से कि कृपया अपने आप को बचाएँ, अपने परिवार को बचाएँ और इस देश को बचाएं, क्योंकि हम सभी को मास्क लगाना है और देश को बचाना है। तो कृपया सब मास्क लगाएं, देश को बचाएं। धन्यवाद। मैं रॉबर्ट मार्टिन, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति और जागरूक खेल संघ।